हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 6 के बारे में, जो कि मिक्स क्वेश्चन का है। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन है। तो इसमें देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन जो है, चिनूक पवन किस देश से यानी किस क्षेत्र से बहती है। ऑप्शन ए सूडान, बी है आल्पस पर्वत, सी है पश्चिमी अफ्रीका और डी है रॉकी पर्वत। तो वन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रॉकी पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, टू नंबर, मिलिंद पनाहो का लेखक कौन है। ऑप्शन ये है विशाख दत्त, बी है विज्ञानेश्वर, सी है पाणिनि, डी है नागसेन। तो टू का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नागसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, थ्री नंबर, पुरी में स्थित मठ का क्या नाम है। ऑप्शन ये है ज्योतिर्मठ, बी है गोवर्धन मठ, सी है द्वारका पीठ और डी है श्रृंगेरी श्री शारदा पीठ। तो थ्री का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवर्धन मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, फोर नंबर, इंडसइंड बैंक का स्थापना वर्ष क्या है। ऑप्शन ए है 1994, बी है 1995, सी है 1991, डी है 1975। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फोर नंबर का, वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, फाइव नंबर, कठिन परिश्रम करने वाले मनुष्य को प्रतिदिन कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है 2000, बी है 3000, सी है 3600 और डी है नन ऑफ दिस, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो फाइव का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 300 यानी 3600 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, सिक्स नंबर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए ब्रुसेल्स, बी है मैड्रिड, सी है वाशिंगटन, डी है जिनेवा। तो सिक्स का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, सेवन नंबर, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। ऑप्शन ए है 9, बी है 7, सी है 11 और डी है 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, एट नंबर, फ्रीडम फ्रॉम फियर किस लेखक की रचना है। ऑप्शन ए है आंग सान सू की, बी है एम एस स्वामीनाथन, सी है नेल्सन मंडेला और डी है मदर टेरेसा। तो एट का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आंग सान सू की। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, नाइन नंबर, युकावा नामक वैज्ञानिक ने किस कण की खोज की। ऑप्शन ए है पाई मेसोन, बी है फोटोन, सी है पॉजिट्रॉन, डी है न्यूट्रिनी। तो नाइन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पाई मेसोन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, टेन नंबर, हरा ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है। ऑप्शन ए है अरुण, बी है मंगल, सी है पृथ्वी और डी है वरुण। तो टेन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वरुण। इलेवन नंबर, स्कॉटिंग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है बेडन पावेल, बी है ओड्रो विल्सन, सी है गैरी बाल्डी, डी है हेनरी ड्यूनर। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बेडन पावेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 12 नंबर, उत्पत्ति के अनुसार पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 5, बी है 8, सी है 7 और डी है 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 13 नंबर, सर्वाधिक तीव्र गति वाला चक्रवात कौन सा है। ऑप्शन ए है टार्नेडो, बी है हरिकेन, सी है टाइफून और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन हो जाएगा, टार्नेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 14 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन ए है देहरादून, बी है कर्नाटक, सी है धनबाद और डी है कानपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 15 नंबर, सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है। ऑप्शन ए है जल, बी है बर्फ, सी है पारा और डी है लेड। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 16 नंबर, बैरोमीटर का आविष्कार कौन है। ऑप्शन ए है रॉबर्ट फॉर्मिज, बी है एल वाटरमैन, सी है ई टॉर्सेली और डी है माइकल फेराडे। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ई टॉर्सेली। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 17 नंबर, जर्मन सिल्वर का अवयव घटक है। ऑप्शन ए है कॉपर प्लस जिंक, ऑप्शन बी है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल, सी है कॉपर प्लस जिंक प्लस एसएन यानी टीन। अगला क्वेश्चन है, डी नंबर,
टीन प्लस पीबी यानी कि सीसा प्लस टीन। तो 17 के जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 18 नंबर, ग्रे बुक किन देशों की सरकारी दस्तावेज का नाम है? ऑप्शन ए है जापान और बेल्जियम, बी है ब्रिटेन और भारत, सी है इटली और ईरान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान और बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 19 नंबर, एशिया विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1967, बी है 1966, सी है 1985 और डी है 1961। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 20 नंबर, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन ए है मंगलोर की संधि, बी है श्रीरंगपट्टनम की संधि, सी है मद्रास की संधि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका एक क्या बोल सकते हो ट्रिक है मामाश्री, ठीक है मामाश्री यानी कि पहला जो हो जाएगा मद्रास की, दूसरा हो जाएगा मंगलोर की और तीसरा हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की। तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये तीन युद्ध हुआ था, तो उसमें से तीन जो संधि है यानी समाप्ति वाला वो हो जाएगा उसका ट्रिक मामाश्री, ठीक है। तो माँ से पहला हो जाएगा मद्रास, दूसरा हो जाएगा मंगलोर और तीसरा हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। तो यहाँ पूछ रहा है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो जो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मद्रास की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 21 नंबर, किस देश को वाइन यार्ड कहा जाता है? ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, बी है स्विट्जरलैंड, सी है नॉर्वे और डी है फ्रांस। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 22, कोलोन यानी कि जर्मनी किस नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन ए है सेंट लॉरेंस, बी है राइन, सी है अस्पिरी और डी है ललापटा। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 23 नंबर, कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है बेंगलोर, बी है कोट्टायम, सी है कोलकाता और डी है गुंटूर। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें अदिश राशि है, पहला ऑप्शन है वेग, दूसरा है विस्थापन, तीसरा है चाल और चौथा ऑप्शन है त्वरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का उसी हो जाएगा चाल। और लास्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश गति, बी है वायुमंडलीय दाब, सी है वायु गति और डी है ताप। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।